हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज के जो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में हमारे उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं व्हेन वी गोज इन द ग्रुप्स। ओके, बट व्हेन वी कम्स इन द पीरियड्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जब हम पीरियड्स हमारे किस तरीके से होंगे। टोटल हमारे कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, उसमें टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स में किस तरीके से जाओगे आप, लेफ्ट टू राइट। हम कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमने अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के बाद आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास कि किस तरीके से हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस हैं, इनको हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, क्लियर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पर पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरीके से बीच में रह गया, मेरे यार माइंड स्किप हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, एक मिनट समझो आप, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, 281, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या है, 282, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 283, यहाँ पे क्या आएगा, 284। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। कहां तक इंक्रीज होंगे, 8 तक वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्लियर। तो इस तरीके से वो हमारे पास हैं, तो इस तरीके से वो इंक्रीज हो सकते हैं, क्लियर। तो यहां पे हमें एक हमारे पास क्लोरीन रह गया था, सॉरी क्लोरीन होता है 17, देन 18, देन 19, देन 20, ठीक है, क्लोरीन रह गया था बीच में। तो इस तरीके से अब हम 5 पे लिखें तो क्या आएगा, 285, 15 का 16 का क्या आएगा, 286, 17 का 287, इसका 18 का 288। तो किस तरीके से इंक्रीज हुआ, यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7 और 8, क्लियर। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 1 to 8, ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम वैलेंसी की। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया वैलेंसी भी हम यहीं से देखते हैं। वैलेंसी क्या होती है, इन आउटर मोस्ट सेल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जो हमारे आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से 7, 8 तक हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। बट वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी क्या होता है कि आफ्टर 4 आप क्या करोगे, 8 माइनस करोगे, क्लियर। तो फर्स्ट अगर हम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तक ठीक है, देन 5 आया तो हम क्या आएगा,
फाइव आया तो क्या आएगा बैलेंस आएगी एट माइनस में थ्री एस एट माइनस में फाइव तो बैलेंस आई थ्री। ठीक है बैलेंस कितनी आई थ्री। क्लियर तो इस तरीके से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव आई फाइव पे क्या होगा एट माइनस में फाइव तो बैलेंस आई थ्री और एट माइनस में सिक्स तो बैलेंस आई टू और एट माइनस में सेवन तो बैलेंस आई वन और एट माइनस में एट तो बैलेंस आई जीरो। तो ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर तो इसी तरीके से हम क्लोरीन पे लिखते हैं। क्लोरीन पे क्या लिखा जाता है सीएल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या है कि इसकी वैलेंस कितनी है वन है। एक का चाय का मतलब क्या होता है कि इसकी वैलेंस कितनी है वन है। ठीक है कैल्सियम लिखते हैं सी ए प्लस टू तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू पे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम जी प्लस टू लिखते हैं एम जी प्लस टू तो इसका मतलब इसकी वैलेंस कितनी है वैलेंस कितनी है प्लस टू है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया उसकी वैलेंसी। क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होगा डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा डिक्रीज होगा। अभी डिक्रीज क्यों होगा क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी क्या हो रहे हैं हमारे पास सेम है इस तरीके से। तो क्या होगा कि जो साइज है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के ऊपर। तो आउटरमोस्ट जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फॉल हो रहे हैं किसी में एक आगे किसी में दो आगे। बट एक्चुअल में क्या है कि ये एक ही सेल में थर्ड सेल में है ना यहां भी थर्ड सेल यहां भी थर्ड सेल यहां भी थर्ड सेल सब किसमें है थर्ड सेल में ही जा रहे हैं। तो जो हमारे पास एक एटम है एक तरीके से मान के चलो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए यहां पे हमारे एट हो गए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट हो गए। नेक्स्ट में क्या होंगे हमारे पास जो सोडियम है उसमें कितना होगा एक होगा। मैग्नीशियम में कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे। एल्युमिनियम में कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे। देन हमारे पास सिलिकॉन में कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे। फॉस्फोरस में पांच हो जाएंगे। बट हम देख रहे हैं कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बट जो सेल है वो उसी में प्रेजेंट है। ठीक है तो ये क्या करेंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा पॉजिटिव का तरफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी और ज्यादा स्ट्रोंग होती चली जाएगी। जैसे जैसे स्ट्रोंग होगी तो ये क्या करेगा इसको श्रिंक करेगा इसको सिकुड़ा देगा। जैसे इसको श्रिंक होगा श्रिंक होते ही क्या होगा इसका साइज क्या होता जाएगा कम होता चला जाएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि जब हम एटॉमिक साइज क्या होगा लेफ्ट टू राइट क्या होगा डिक्रीज हो जाए। क्लियर नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो है मेटेलिक कैरेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्लियर मेटेलिक कैरेक्टर क्या है आप देखोगे सबसे पहले जो हमारे एसप्लोक एलिमेंट उसमें हम क्या रखते हैं मेटल्स रखते हैं। तो धीरे धीरे हमारे सबसे पहले मेटल्स फिर धीरे धीरे हमारे पास नॉन मेटल्स सॉरी मेटलॉइड्स आते हैं मेटलॉइड्स देन नॉन मेटल्स आते हैं। अब आप हम किसमें जा रहे हैं ग्रुप पीरियड्स में जा रहे हैं। तो पीरियड्स में हम किस तरीके से आते हैं इस तरीके से। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है
ये मेटल है, ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है। तो यहाँ मेटल है तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ मेटलॉइड यानी दोनों की प्रॉपर्टी चेक करें, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या कम हो रहा है। यहाँ नॉन मेटल बिल्कुल, तो वो क्या हो गया, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बिल्कुल क्या हो गया, मेटलिक कैरेक्टर क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडल जो पीरियोडिक टेबल है, उसको जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, हमने किस तरीके से किया हुआ है, इसी तरीके से किया हुआ है। दैट्स व्हाई द मेटलिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन से इजीली एक इलेक्ट्रॉन को स्वेप आउट करना, बाहर निकाल देना। तो यहाँ क्या होगा कि आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास, हम जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा था हमारा, डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज होगा तो वो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, स्वेप आउट इजीली कर सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉन निकालना वो इजीली निकाल सकता है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक और बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम जब बात करें तो ये होता है किसकी कॉम्बिनेशन किस तरीके से। जब हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपके साथ साथ में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी हमारी, स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे किसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ग्रुप्स में एज वेल एज पीरियड्स में, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कि हम किस तरीके से वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पीरियड्स में क्या होगा, ग्रुप्स में क्या होगा। तो ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारे चैप्टर हो गया कम्प्लीट। थैंक यू गाइज, इफ यू वॉन्ट to like my video, thank you guys and have a nice day.